नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले जो वीडियो आया था वो था श्री महालिंग राय जी का टेंपल। तो अभी हम टेंपल के बाहर आ चुके हैं, तो आपको जगह जगह पर यहाँ पर भंडारा के शॉप्स दिखाई देंगे, जो भंडारा लोग जो है खरीदते हैं, और पालकी के ऊपर और मंदिर में वगैरह जगह जगह पे जो है भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है ये वाला भंडारा। तो अभी आपको थोड़ी देर में वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं नदी की ओर, तो ये रास्ता जो है सीधा अपने को जहाँ पर नदी है वहाँ की तरफ लेके जाएगा। तो रास्ते में बहुत सारे शॉप्स भी दिख जाएंगे आपको, प्रसाद के वगैरह, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो, आपके कुछ लेने की चीज़ें वगैरह हो तो ये ले सकते हो आप। तो अगर आप ये हुलजंती को पहुँचोगे कभी खुद से, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने भक्त लोग आए हुए हैं और बहुत भीड़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले तो मेरे को रुकने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी कहीं पर भी, तो बहुत जगह मैंने ट्राई किया कहाँ से मेरे को शूट अच्छे से मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो मैंने है अंदर जहाँ पर पालकी रहती है वहीं पर जाने का ठान लिया। फिर भीड़ में से आगे बढ़ते बढ़ते मैं निकल रहा हूँ। ये देखिए जहाँ पर ये आपको झंडा दिख रहा है फ्लैग, तो वहाँ पर मैं जाने की कोशिश कर रहा था। एग्जैक्टली उस फ्लैग के नीचे ही मेरे को जाना था। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कितनी भीड़ है, और अंदर जाने के चांसेस भी बहुत कम लग रहे थे, लेकिन फिर भी हार नहीं मानना था मेरे को और आगे की तरफ जाना ही था। तो यहाँ वहाँ देखते देखते मैंने शुरू कर दिया अपना पैदल पैदल आगे की तरफ बढ़ना। और अभी टाइम था ये लगभग 4 बजे शाम के शुरू होता है जो मुलाकात होती है पालकी की, तो वो जो है लगभग 4 बजे शुरू होने वाला था। तो यहाँ पर जो लोग थे पहले से ही अपने अपने जगह पर आकर बैठे हुए थे, और अभी आप जहाँ पर लोग खड़े हुए दिख रहे हैं आपको, ये कम्प्लीटली नदी होती है, लेकिन इस साल बारिश नहीं हुआ था इसलिए कुछ भी पानी नहीं था। आप देख सकते हो कम्प्लीटली लोग जो है नदी में आ चुके हैं, मतलब नीचे पानी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर पानी होता तो ये यहाँ पर कोई भी लोग नहीं दिखते आपको, सिर्फ नदी के किनारे पर दिखते, और अंदर की तरफ पालकी वगैरह आपको दिख जाती थी। लास्ट टाइम मैंने लिया था वीडियो, लेकिन वो डिलीट हो गया था, करप्ट हो गया था डाटा। तो फिर मैंने इस साल आया तो पानी नहीं था, फिर भी बोला चलिए दर्शन तो ले लेते, अगले साल पानी वाला भी वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे भक्त लोग आए, तो उनके बीच में ऐसे होकर मैं भी आगे की तरफ बढ़ रहा था। तो ये 360 कम्प्लीटली मैंने कैमरा घुमा दिया है, बहुत सारे लोग हाथ वगैरह कर रहे थे अपने को, आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से। तो अलग अलग लोग जो है अपने अपने पोशाक में थे, अलग वाले कपड़ों में, कोई कैप्स पहन रहा था, किसी ने पगड़ी पहनी थी, किसी ने कम्प्लीटली अपना चेहरा ढका हुआ था, किसी ने आँखों में भंडारा ना जाए इसलिए गॉगल पहना हुआ था। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हालत था। ये देखिए मैंने ऑलमोस्ट आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक फ्लैग तक पहुँच गया, लेकिन अंदर जाने की डेयरिंग नहीं हो रही थी मेरे को। तो बाद में मेरे को पता चला कि अपने पास कैमरा है, एक वहाँ पर थे कोई, तो उनसे मैंने कहा कि मैं वीडियो करने के लिए शोलापुर से आया हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है आप अंदर की तरफ आ जाइए। तो मैं अंदर की तरफ चला गया वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए तो मैंने बात कर ली थी वहाँ पर जो हायर अथॉरिटी थे, मतलब पुजारी के जैसा वगैरह थे कोई, तो उनसे मैंने बात कर ली थी, तो उन्होंने बोला ठीक है आप अंदर की तरफ आइए, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ पर पालकी जब आती है तो बहुत खिंचातानी होती है, भीड़ बहुत होती है, तो आप संभल के आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। तो फिर अंदर की तरफ आके मैंने कम्प्लीटली 360 जो होता है अपना, मतलब कैमरा सभी डायरेक्शन में घुमा दिया गोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो अच्छा सा लोकेशन मेरे को यहाँ पर ढूंढना था। यहाँ पर देख सकते हो आप थोड़ा सा पानी वगैरह है, और लोग यहाँ पर इतना चिल्ला रहे थे कि पूछिए मत, और यहाँ का ओरिजिनल आवाज़ फिर से मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, इसलिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर जो है पब्लिक था, तो वॉइस अच्छे से नहीं आएगा तो यूट्यूब पर भी वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पर देखिए जो कीचड़ आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो पानी छोड़ा गया था टेंपल की ओर से वगैरह, तो यहाँ पर उतना ही था जहाँ पर उन्होंने ये किया। ये देखिए बैंड वगैरह बजाते हुए ढोल लेके आ रहे थे सब लोग। तो अभी पालकी नहीं आई थी, सब लोग पालकी का इंतज़ार कर रहे थे। अभी लगभग 4:45 हुए, तो एग्जैक्टली 4 बजे के आसपास सब लोग आते रहते हैं यहाँ पे। और चारों तरफ देखिए लोगों ने भंडारा भी चढ़ाया हुआ है, भंडारा मतलब ये जो आपको पीला कलर का हल्दी दिख रहा है वही है, तो हम भंडारा ही बोलेंगे। तो ये देखिए सभी लोग भंडारा चढ़ा रहे हैं यहाँ पर, और सभी लोग जो है कम्प्लीटली
भंडारा में ये हो चुके हैं। आप देख सकते हो वीडियो में सब लोग गोल्डन कलर के दिख रहे, सुनहरे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पुलिस लोग भी है जो अच्छे से सबको संभाल रहे थे कि आप खींचातानी ना करें। और यहाँ पर कुछ प्रेस के लोग भी मिल गए थे, तो उन्होंने मेरे को फ़ोटो भी खींचने के लिए बोला था उनका, तो वो भी मैंने खींच दिया है। तो अगर आपको फ़ोटोग्राफी की सर्विसेज चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। मैंने मेरा नंबर दे दिया है डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के, और वीडियो के एंड में भी आपको मेरा विजिटिंग कार्ड मिल जाएगा। ये देखिए अभी बहुत सारा लोग जो है यहाँ पर भंडारा ये कर रहे हैं यहाँ पर फ्लैग के ऊपर। तो इस एरिया में जो है बहुत सारे लोग जो है अपने साथ शीप लेके आते हैं, जिनको हम मेंढर भी बोलते हैं मराठी में। हिंदी में एक्चुअली मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में शीप होता है, जिनके पूरे बॉडी पर जो वूल आता है ना, मतलब लोकर जिसको हम बोलते हैं मराठी में, स्वेटर जिससे बनता है, तो वो वाला। तो सब लोग अपने पीठ पे वगैरह लेके आ रहे थे, तो मैं आगे जाकर कहीं ना कहीं आपको दिखाई दूंगा। तो देख सकते हो आप अभी लगभग एक और फ्लैग आने ही वाला है। वहाँ पर सब लोग रोड बना रहे थे वहाँ पे उनको आगे की तरफ आने के लिए, तो उस तरफ पर भी जाऊंगा मैं। तो गांव वाले जो लोग थे उनके हाथ में आपको डंडा दिखाई देगा। अगर खींचातानी होती है तो लोग जो है डंडे से थोड़ा सा डराते हैं बाकी को, मतलब कोई पालकी जब पास में आए तो सब लोग दर्शन लेने के लिए एकदम से आगे में ना आए प्रेशर में दे के। तो बहुत सारे यहाँ पर छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, इसीलिए उन्होंने मेंटेन करने के लिए गांव वाले लोग भी थे और पुलिस वाले लोग भी थे। तो अभी दर्शन तो मैं ऑलरेडी टेम्पल में लेके आ चुका था, और वहाँ पर भी मैं कम्प्लीटली गोल्डन कलर हो गया था, और यहाँ पर भी था ही, और मैंने यहाँ पर सनग्लासेस भी चढ़ाए हुए थे, तो थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा था मैं यहाँ पर लोगों को। तो बहुत सारे लोग जो है कैमरे की तरफ हाथ वगैरह कर रहे थे, और जैसे ही कैमरा उनकी तरफ बढ़ा रहा था मैं, तो सब लोग जो है भंडारा जो है चढ़ा रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लोग है भंडारा जो है एक एक बोरी के हिसाब से लाते, कुछ 5 किलो की बोरी होती है, कुछ 10 किलो की बोरी होती है, ऐसे तो सब लोग लेके आते हैं। और कोई लोग किलो के हिसाब से पैकेट्स भी रहते हैं सबके हाथ में, तो वो भी होता है। तो एक फ्रेंड उनके साथ रहते हैं ये, जिनके पास बोरी होती है और वो बाकी की जो है पैकेट्स में लेके आगे की तरफ आते हैं, ऐसा कुछ होते रहता है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो है एक और फ्लैग आ रहा है अभी, तो वहाँ पर देखिए कम्प्लीटली भंडार जो है फ्लैग पर चढ़ाया जा रहा है। और जो मैंने आपको बोला था कि हाथ में डंडा वगैरह होता है, तो ये वाले लोग होते हैं गाँव के। ये देखिए ये अच्छे से साइड वगैरह लेके अंदर की तरफ लेके आते हैं। तो जैसे ही फ्लैग अंदर आया तो सब लोगों ने यहाँ पर भंडारा चढ़ा दिया है, और बहुत लोग हाथ लगा कर दर्शन वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पालकी भी आते हैं, तो मैं भी आपको वीडियो के एंड तक दिखा दूंगा कि कितने पालकी आए थे और हमने कौन से पालकी का दर्शन किया हुआ है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो मेरी हर बार लंबी होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सब कुछ कैप्चर करूँ, इसीलिए मेरी वीडियो जो है लंबी होती रहती है। तो अगर आपको बोर होता है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, लेकिन ये वाला नज़र है ना, आपको खुद वहाँ पर रह के ना ये करना होता है, मतलब खुद ही वहाँ पर रह के सब देखना अपनी खुद की आंखों से, तो बहुत मज़ा आता है। वीडियो में जस्ट फॉर फन, मतलब वीडियो ऐसे ही बना लेते हैं हम, लेकिन पहले तो एंजॉय करने के लिए जाते हैं वहाँ पे, दर्शन लेने के लिए जाते हैं। खुद से आके दर्शन कीजिए, कभी आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं हमेशा जाते रहता हूँ, तो मेरे परदादा दादाजी वगैरह भी यहाँ पर आते थे दर्शन लेने के लिए पहले, लेकिन उनके बाद में मैं ही आते रहता हूँ यहाँ पर। अभी लास्ट 2 साल से मैं यहाँ पर आया हूँ, तो नेक्स्ट ईयर भी जैसे जैसे टाइम मिलता है अपने हिसाब से जाके दर्शन लेके आएंगे हम। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था शिप, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। तो शिप का भी वहाँ पर नज़ारा कुछ अलग ही होता है, तो आप समझ लीजिए क्या होता होगा शिप का। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग जो है अभी पालकी का इंतज़ार कर रहे हैं, और इस साल बारिश बहुत कम हुई थी इसलिए प्रॉब्लम हो गया कि नदी में पानी नहीं है। तो ये जो आए थे तीनों जो फ्लैग थे उनका दर्शन ले रहे हैं आप देख सकते हो, और उनके हाथ में आपको कुछ दिखाई देगा, फ्ल्यूट और समथिंग एल्स है, आप देख सकते हैं। आपको समझ में आए तो देखिए पॉज करके। तो
तो यहाँ पर बार बार जो है सनलाइट के ऑपोजिट के वो रहने की वजह से यहाँ जो है ब्लैक कलर का आ रहा था। मैंने उनको ये देखी, अभी वो बकरा लेके खड़े हुए थे, मेंढी जिनको हम बोलते हैं शिप को, तो यहाँ पे चेहरा उनका ब्लैक आ रहा था। तो मैंने क्या किया, फिर से पीछे से गया और उनको सनलाइट की तरफ चेहरा करने के लिए बोला, ये देखिए। तो ऐसे थोड़ा सा लाइट जो है अच्छे से आ जाता है, जब सनलाइट ऑपोजिट को होता है तो गोप्रो में इतना अच्छे से कैप्चर नहीं होता है। तो गोप्रो जब हमको लेना है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ चीज़ें में लिमिटेशंस आ जाती है। पालकी आ रही है अभी, तो पालकी है या जेंडा मेरे को भी पता नहीं चल रहा है अभी, क्योंकि उस टाइम पे हाँ पालकी है 100%, क्योंकि यहाँ पर मशाल दिख रहा है हमको, पालकी ही है। ये देखिए पालकी आ रही है, तो सब लोग जो है भंडारा चढ़ा रहे हैं अभी पालकी पे। कौन से गांव की पालकी ही है तो पता नहीं चल रहा, क्योंकि भंडारा सब जहाँ पर लिखा हुआ तो उसके ऊपर गया है, तो अभी पॉसिबल ही नहीं है समझना कि क्या कौन से गांव का ये पालकी है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी आप देख सकते हो, मैं भी इनके पीछे जाऊंगा और पालकी की ओर जाकर आपको अच्छे से दर्शन देने की कोशिश ज़रूर करवाऊंगा। हाँ, मैं तो ये बता रहा था आपको गोप्रो के बारे में, कि मैंने यहाँ पर गोप्रो 10 यूज़ किया हुआ है, और केसिंग जो अपना वाटरप्रूफ का जो केसिंग आता है वो यूज़ किया है, जिसके वजह से वो जो माइक वगैरह होता है, माइक्रोफोन वगैरह जो होते हैं वहाँ पर भंडारा जाके ना फंसे, इसलिए मैंने वो केसिंग यूज़ कर लिया था। तो आप देख सकते हो डायरेक्टली क्वालिटी नहीं है, जो लेंस के बीच में और पालकी के बीच में जो आपको दिखाई देगा वो केसिंग है। तो उस केसिंग के बाद में आपको ये वाला क्लिप दिख रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला है वो, सिर्फ फोटोग्राफर लोगों को वगैरह ही समझ में आता है, आपको नहीं आएगा वो समझ में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये हमारे हिसाब से तो एकदम ओके है, आपके हिसाब से एकदम ओके है, थोड़ा सा भी आपको ब्लर वगैरह नहीं दिखेगा। ऐसे तो ये एक्शन कैमरा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी मैं पालकी की तरफ जाने वाला हूँ, आगे की तरफ। अब देख सकते हो कितना सुनहरा हो गया है, अगर नदी में पानी होता तो नदी भी कम्प्लीटली सुनहरा हो जाता यहाँ पर। तो अभी देखिए यहाँ पर फोटोग्राफर्स वगैरह है बहुत सारे, और ड्रोन भी चल रहा था ऊपर से, ड्रोन शॉट्स भी कोई लोग ले रहे थे, और बहुत सारे लोग तो सेलफोन से भी शूट कर रहे थे। लेकिन सेलफोन से शूट करना थोड़ा लोगों को प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि जहाँ पर चार्जिंग पोर्ट वगैरह था और 3.5 mm का जो जैक होता है वहाँ पर भंडारा जाके फंस जाता है। लास्ट टाइम मेरे साथ भी यही हुआ था, तो बहुत सारे लोग जो है प्लास्टिक बैग ला डाल के कैमरा वगैरह लेके आए थे। सबके अपने अपनी सेटअप होता है, उस हिसाब से आते हैं। तो यहाँ पर अभी पालकी देखिए मेरे से कितनी दूर है, और वहाँ पर जाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, मेरे को भी नहीं पता वहाँ तक पहुँचूंगा या नहीं। लेकिन आपको बता देता हूँ, मैं ऑलरेडी वहाँ तक पहुँच गया था, बहुत करीब तक, और हर एक पालकी का मैंने दर्शन लिया हुआ है। तो देख सकते हो आप कितना रश है यहाँ पर, और इतनी भीड़ में से इतने सारे भक्त लोग जो है उनके बीच में से पालकी की तरफ जाना कितना प्रॉब्लमेटिक है, आप देख सकते हो। एक बार तो मैं ऑलमोस्ट फिसल गया था, मेरी चप्पल तो ऑलमोस्ट टूट गई थी पहले ही। तो और यहाँ पर जो है नीचे पैर में छोटे छोटे जो पत्थर होते नदी में के, वो छुप रहे थे, और इतना परेशानी था पूछे मत। यहाँ पर भी मैंने किसी से बात किया और अंदर एंट्री ले ली पालकी में दर्शन लेने के लिए, उनको कहा था कि मैं बहुत दूर से आया हूँ अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पर आकर मैंने सभी पालकी का दर्शन वगैरह ले लिया था। तो दोस्तों ये वाला जो हुलजनथिक का आपको यात्रा है कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप भी कभी वक्त मिले तो आ जाइए यहाँ पे, ये दिवाली के वक्त में होता है, ऑनलाइन में वगैरह आप चेक कर सकते हो। और मैं कैसे चेक करता हूँ वो भी बताता हूँ, कहाँ पे कौन सा वाला फेस्टिवल होता है। आप अगर समझ लीजिए ज्योतिबा में कोई चैत्र महीना में फेस्टिवल होने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ के जो पुजारी लोग वगैरह होते हैं उनका नंबर निकालता हूँ किसी शॉप में से, या किसी बैंक में का नंबर लेके उनको कॉल करता हूँ और पूछता हूँ उनको कि वहाँ का शेड्यूल क्या क्या है, तो कब आरती वगैरह होती है, कब दर्शन कर सकते हैं उस हिसाब से। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर कभी सब जो है इन्फॉर्मेशन ले लिया था कि कब होने वाला है वगैरह, और मैंने प्लान करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए पालकी को सब लोग कंधा दे रहे हैं, और कंधा देना भी बहुत ही
शुभ माना जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो कम से कम कंधा तो लगाते ही है, जिनको पॉसिबल होता है उनको। इतनी भीड़ में तो मेरे को पॉसिबल नहीं था, एक तो हाथ में कैमरा था, पीठ पे बैग थी और बहुत कुछ, और उनके लिए थोड़ा सा हम जो है अच्छे से भी रहना पड़ता है। मतलब भगवान के दर्शन वगैरह, पूजा मंत्र वगैरह भी आना चाहिए होता है, ऐसा कुछ होता है, किसी ने बताया था मुझे। ये देखिए यहाँ पर कितना भंडारा आ रहा है चारों तरफ से, पुलिस लोग भी तो थे जो जेसीबी पे रुके हुए थे, वो आगे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जितनी भी पालकी है उन सभी पालकी को मैंने हाथ लगाकर दर्शन लिया हुआ है, और कम्प्लीटली भंडारा वगैरह भी चल रहा था, तो मैंने किसी बाजू वाले के पास से थोड़ा सा भंडारा लेके भगवान के ऊपर चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर इतना शोरगुल है कि आप रियल वाला आवाज़ सुनोगे तो परेशान हो जाओगे। ये देखिए यहाँ पर कितने पालकी दिख जाएंगे आपको, गिनिए आप सिर्फ। ये पालकी की सब के सब मुलाकात होती रहती है, मराठी में भेट कहते हैं, भेट का सोहळा ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, दर्शन वगैरह लिया मैंने, प्रसाद वगैरह भी लिया है, और यहाँ पर लगभग लाखों की संख्या में भाविक आते हैं दर्शन लेने के लिए। और सेकेंड डे तक, थर्ड डे तक यहाँ पर यात्रा में लोग रहते हैं, और दिवाली भी होती है उस समय। ये देखिए मैंने थोड़ा सा क्लोजअप व्यू ले लिया भगवान जी का, तो यहाँ पर जो है भंडारा होता ही है वो माथे पर सब लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक और पालकी इस तरफ से आ रही है, तो यहाँ पर जो है लोग पगड़ी अलग अलग तरह के पहनते हैं, किसी ने जो अपना हैंडकरचीफ होता है वो भी अपने सिर पर बांधे हुए आपको दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो हूँ बाइक से पहुँचा था मम्मी के साथ में, आपको पहले वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, इसी वीडियो के पहले वो वाला वीडियो आया हुआ है, श्री महालिंग राया जी का टेम्पल बोल के है, देवस्थान बोल के उलझंती ऐसा। तो यहाँ पर देखिए भक्त लोग जो है खुशी मना रहे हैं, ये देखिए सब बैंड वगैरह बजा रहे हैं, तो एग्जैक्टली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम मेरे को नहीं पता है, लेकिन बहुत मस्त यहाँ पर जो है सब लोग एंजॉय कर रहे थे, और अलग अलग तरह की घोषणाएँ भी दे रहे थे भगवान के बारे में, भगवान की जय ऐसा कुछ था, मैं वो आवाज़ की वजह से ठीक से सुन नहीं पा रहा था। आप ये बैंड वगैरह देख के समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना शोरगुल होगा, और एक तो यहाँ पर आँख भी खोल नहीं सकते हम, इतना भंडारा होता है तो आँखों में तो चला जाता ही है, लेकिन मैं ऑलरेडी गॉगल पहन चुका था, लेकिन गॉगल जो था मेरा पूरा पीला पीला कलर हो गया था, तो जितना भी कैमरा था उसको बार बार मैं नीचे लेके फूंक मार के साफ करके फिर से ऊपर छोड़ रहा था, मतलब सिर्फ हाथ ऊपर कर रहा था गोप्रो के वजह से। तो गोप्रो इस बार मेरे को बहुत अच्छे से साथ दिया है यहाँ पे, लास्ट टाइम तो पूछिए मत, सब डाटा जो था अपना करप्ट हो गया था। ये देखिए एक बंदा अपने दोस्त को कंधे पर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पर फिर से जगह बन रही है, क्यों बन रही है अभी आप सोच सकते हो। ये कम्प्लीटली जो है पुलिस वगैरह भी है, यहाँ पर गांव वाले लोग भी है जो साइड बना रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो शीप है, ये देखिए हाथ कर रहे हैं सब लोग, बोल रहे हैं हमारा भी शूट लो, हमारा भी शूट लो। तो मैंने कहा लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर बंदोबस्त वगैरह लग रहा है, थोड़ा सा रोड बना रहे हैं अंदर आने के लिए भगवान जी को। तो मैं कम्प्लीटली बीच में से होके उस तरफ जा रहा था अभी जहाँ पर फ्लैग था, क्योंकि इस तरफ का मैंने आपको सब लोगों को, सब पालकी आप लोगों को दिखा दिया है और दर्शन भी ले लिए। ये देखिए सब लोग कितने खुश हो गए थे क्योंकि मैं शूट कर रहा था यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर फिर से भगवान जी की पालकी आ रही है अभी, ये देखिए साइड में मैं भी हट गया क्योंकि सामने रह के मैं उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, साइड में आ गया, और देखिए यहाँ से एक पालकी जा रही है मस्त, तो ये पालकी का भी मैंने दर्शन ले लिया, आप भी यहीं से ले लीजिए अभी। तो कुछ लोग जो है हाथ लगाकर भंडारा चढ़ाकर दर्शन लेते हैं, कुछ लोग दूर से ही दर्शन लेते हैं क्योंकि इतनी सारी भीड़ होती है। जैसे ही पालकी एंटर करती है आप देख सकते हो कैसे भंडारा पालकी की तरफ आ रहा है वहाँ पे,
और फिर से मैं अपना जो फ्लैग है उस तरफ जा रहा था। इधर क्यों आ रहा, मतलब मैं एग्ज़िट लेने की कोशिश कर रहा हूँ अभी अभी। ऑलमोस्ट एक और पालकी बचा था आने के लिए, तो वो कहाँ पे आएगा मेरे को पता था, तो मैं उस तरफ ही जा रहा था। और वहाँ पर अभी भीड़ और भी बढ़ेगी, अभी लगभग यहाँ पर 4:15 हो चुके थे और ये सभी लोग जो है वेट कर रहे थे एक और पालकी का भी। ये देखिए भंडारा तो कंटिन्यूसली चलते रह रहे, और जैसे ही मुलाकात का कार्यक्रम शुरू होता है वहाँ पर सब लोग तालियाँ वगैरह बजाते थे। और ये जो हुलजंती में होता है यहाँ पर फंक्शन को क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता है, अगर आपको पता हो तो मेरे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मेरे को जितना भी इन्फॉर्मेशन मिला है ना वो इंटरनेट से ही मिला है, तो कोई लोग कुछ बोलते हैं कोई लोग कुछ बोलते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैंने क्या कहना है यही जो है नहीं किया। लेकिन मैं वहाँ पर अभी लिखूँगा फुलजंती में जो यात्रा हुई है उसके बारे में ये वीडियो है, तो टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में जो भी मेरे को डाटा मिल जाता है अवेलेबल तो वो कॉपी पेस्ट कर दूँगा। और ये जो हुलजंती में यात्रा है सालों से होती आ रही है, तो हर साल मनाया जाता है। दिवाली के वक्त ही मैक्सिमम के टाइम पे जो है होता है यहाँ पर यात्रा। आप सोच सकते हो मेरी हालत क्या हुई होगी, मैं ट्राई करूँगा दिखाने को आपको, लेकिन पहले यहाँ से थोड़ा सा बाहर तो निकलो। ये देखिए अभी यहाँ पर आपको है ना बेल देखने को मिलेंगे, बेल के ऊपर जो बड़े बड़े डमरू टाइप कुछ बैंड वगैरह विंटेज वाला जो है वो लगा हुआ है, तो वो भी मैं आपको शूट करूँगा। और ये सबसे आखिरी में आया हुआ पालकी है, पालकी अभी बहुत दूर है लेकिन ये जो बेल है थोड़ा सा आगे आ गया है, तो अभी हम पहले यहाँ से देख के पीछे की तरफ चलेंगे। ये देखिए सब लोग बेल का भी दर्शन ले रहे थे और उनको ऊपर भी भंडारा चढ़ा रहे थे। कितनी भीड़ है आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पर आपको शोलापुर से अगर पहुँचना है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से तो आप बस लोगे मंगलवेड़ा को जो है 55 किलोमीटर्स, और मंगलवेड़ा बस स्टैंड से आपको हुलजंती के लिए बस मिल जाएगा। रास्ता एकदम बेहतरीन है, अच्छा है, तो आप मंगलवेड़ा से जो है हुलजंती लगभग 28-30 किलोमीटर के आसपास है। मेरे को 80-90 किलोमीटर के आसपास पड़ गया था, तो मैं तो बाइक से आया था तो जल्दी पहुँच गया। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर स्टे भी करते हैं आने के बाद में, और मंगलवेड़ा में भी स्टे करते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आए थे लेकिन वो मिले ही नहीं मेरे को यहाँ पर, और फ़ोन भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। हाँ एक और बात, यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त लोग हैं, तो आपको कनेक्टिविटी जो है फ़ोन की वो नेटवर्क ही नहीं मिलेगा, आपको कम्प्लीटली जाम हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप सब लोग थोड़ी थोड़ी करके पैदल आगे की तरफ बढ़ रहे, जहाँ पर बाकी के पालकी भी है, तो पालकी की मुलाकात यहाँ पर ज़रूरी होती है, तो जब भी मुलाकात होती है तब भंडारा चढ़ाते हैं। तो सब लोग मेरे साथ, कुछ लोग रिवर्स में आ रहे थे मतलब उल्टी दिशा में चल रहे थे, जहाँ से पालकी आ रही है एक और नई वाली, तो वहाँ पर जाकर हम दर्शन लेंगे। ये देखिए एक और नया वाला नंदी जी, यहाँ पर हम नंदी जी बोलेंगे बैल को, तो नंदी जी आए हुए थे यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। फुल डेकोरेशन किया हुआ था, कुछ को मोर के पीस लगाए हुए थे, कुछ को बलून्स लगा के सजाया गया था। तो यहाँ पर पालकी आपको दिख रही है क्या, बहुत दूर है, थोड़ी सी नज़र आप तेज़ कीजिए दिख जाएगी, जहाँ पर भंडारा जा रहे हैं ना वहाँ पर पालकी है। तो ये सब लोग जो है आखिर में आए हुए थे, मतलब अपने अपने हिसाब से, जब ट्रैफिक में से निकलकर यहाँ तक आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाखों की संख्या में जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो पर्सनल व्हीकल्स भी बहुत सारी होती है। मैं खुद आधा एक घंटा तक ट्रैफिक में अटका हुआ था, तो पालकी भी यहाँ पर आ चुकी है, तो यहाँ से मैंने दर्शन ले लिया पालकी का। आप ही देखिए भगवान जी प्रसन्न हो गए हमारे लिए, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी पालकी आ गई है, सभी भगवान जी आ गए और हमने यहाँ पर दर्शन ले लिया है।
और ये कम्प्लीटली जितना भी आपने वीडियो देखा है ना नदी में एंटर होने के बाद में, नदी में ही हो रहा है ये सब। अगर नदी में पानी होता तो ये वीडियो का कुछ अलग ही टाइप को आपको देखने को मिलता, लेकिन ये नदी कम्प्लीटली सूखा हुआ है इसीलिए आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये रहा मैं, तो मेरी हालत भी आप देख सकते हो। तो नीचे वाला जो मास्क था मैंने निकाल दिया, तो वहाँ पर हल्दी नहीं है, और गॉगल को भी थोड़ा सा फूक मार दिया था मैंने, जिससे मैं देख पाऊँ खुद को, दिखा पाऊँ आपको। तो ये देखिए कम्प्लीटली मैं हाईवे तक, मतलब रोड तक आ गया था। तो दोस्तों ये वाला फुलजंती का वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।